सो वेलकम गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन। सो आज हम ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन एफ ऑफ जेड है इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट एनालिटिक। हमें कंटिन्यूस ये बताना है बट एनालिटिक नहीं है, ये शो करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, प्रूफ गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे कि द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज द फंक्शन दिया है, दी गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस आई वाई। ये फंक्शन हमें दिया है। अब ये एनालिटिक है कि नहीं है इसको प्रूफ करना है, लेकिन हम जानते हैं कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी होता है, बट वी नो दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। इसको इक्वेशन नंबर टू देंगे और इक्वेशन नंबर वन देंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेटिंग करेंगे तो इसमें से ऑन इक्वेटिंग है। देखिए ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट यू की वैल्यू क्या हो जाएंगे। देखिए यू प्लस आई वी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड सेम है, यू प्लस आई वी एक्स वाई प्लस आई वाई। देयर फोर यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई एंड वाई इज इक्वल्स टू वी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियली। पार्शियली मतलब जब एक्स से डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई को कॉन्स्टेंट रखेंगे, और जब वाई से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे। तो ये यू का डिफरेंशिएट हो गया डेल यू बाय डेल एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन, तो ये बचे वाई कॉन्स्टेंट, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू बाय डेल वाई से, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव हो गया वन, एक्स कॉन्स्टेंट एक्स हो गया ये, एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई इक्वल्स टू वी को, तो डेल यू डेल वाई बाय डेल एक्स हाँ देखो यहाँ पे v है ना, इसको मैं डेल v बाय तो y है तो x है, इसको v इज इक्वल्स टू वाई लिखना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल x x से डिफरेंशिएट करेंगे तो y कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, एंड डेल v बाय डेल y जब y से डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, ये आ गया वन। तो हम वी कैन सी दैट वी कैन see that del u by del x is not equal to del v by del y. del u by del x kita hai, del u by del x is equal to y not equals to 1, and del u by del y is not equals to minus del v by del x. del u by del y kita hai x not equals to minus 0, ye dono equal hai kya nahi hai. to therefore the function क्या दिया था, एफ ऑफ जेड इज एक्स प्लस आई वी। द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस आई वाई इज नॉट सेटिस्फाइड द कॉची रिमानिंग इक्वेशन, हेंस the function is not analytic। देखो इतना कुछ अपने आंसर लिखाना तो आपको फुल मार्क मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या बोला था क्वेश्चन एक बार पढ़ लेने का कि प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस प्रूव करना है एवरीवेयर बट नॉट एनालिटिक। तो आप जैसे आपने प्रूव कर दिया कि ये कंपेयर कर दिया ना, इसके बाद में आप लिख सकते थे कि हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ऐड कर सकते हो, ये अपना आंसर हो गया। इधर मैं इधर ऐड कर सकता हूँ, इधर इसके बाद लिखना है यहाँ पे ठीक है, नीचे यहाँ पे ऐड करना, हियर वी ऑब्जर्व
ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व है यू एंड वी आर, यू एंड वी आर कंटिन्यूस, क्योंकि यू की वैल्यू दो आ रही और एक वी की वैल्यू आ रही, ये वी ठीक है तो इसको थोड़ा अलग लिख दिया, तो वी की वैल्यू आ रही तो यू एंड वी कंटिन्यूस है, देयर फोर इम्प्लाइज है, अगर देखो ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस तो जो इक्वेशन है वो भी कंटिन्यूस, देयर फोर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस आई वाई इज ऑल्सो कंटिन्यूस, इतना लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है अपने को लिए, फिर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियली, इतना लिखना है आपका आंसर पूरा एकदम करेक्ट है। ये नहीं लिखे तो भी चलेगा, पर लिख लेने का मैम अच्छे रहेंगे तो पूरे में से फुल मार्क मिलेंगे आपको, ऐसे ही फुल मार्क मिलेंगे। तो अपना ये प्रूफ हो गया था, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको और ऐसी वीडियो आपको चाहिए और दूसरे क्वेश्चन पे तो कमेंट कीजिए और क्वेश्चन का नाम बताइए, उसको क्वेश्चन लिखिए कमेंट में, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा।